जुहार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दिशुम। हम लोग मिलकर हमारे आसपास की चीजों, जिसमें मिट्टी, जल, हवा, जानवर, पशु पक्षी एवं हर उस चीज के बारे में जिसके बारे में हमने सुना है, देखा है, जाना है, महसूस किया है और पढ़ा है, मिलकर जानने और समझने का प्रयास करेंगे। क्या आप मेरे साथ मिलकर हमारी दुनिया और हमारे आसपास की चीजों के बारे में जानने और उनके बारे में अध्ययन करने के लिए तैयार हैं? अरे वाह, आप सभी लोग तैयार हैं। चलो फिर तो साथ में मिलकर सीखने में बहुत मजा आएगा। आज हम लोग हमारे आसपास की चीजों एवं उनके गुणों के बारे में जानकर एक जैसे लक्षणों वाली चीजों को समूह में रखना सीखेंगे। आप अपने आसपास देखिए, आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, जैसे अलग-अलग तरह के पौधे, जानवर, पशु पक्षी, मिट्टी, लोहा, पत्थर आदि। मैंने जो सारणी बनाई है, आप लोग अपनी कॉपी में इसी तरह की सारणी बना लीजिए। प्यारे बच्चों, आपने अपनी कॉपी में यह सारणी बना ली होगी और आप लिखा हुआ पढ़कर समझ भी गए होंगे। हम कुछ उदाहरणों द्वारा इसे और समझते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस सारणी में कुल 8 कॉलम हैं। कॉलम ए में क्रम संख्या के नीचे मैंने 1 लिखा है। कॉलम बी में मैंने गाय देखी, उसका नाम लिखा है। कॉलम सी, डी, ई, एफ, जी, एच में हमें गाय के सामने की लाइन में गाय के बारे में लिखना है। आप लोग बताइए, गाय को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है या नहीं? आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, गाय को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। अगर उसे भोजन नहीं मिलेगा तो वह मर जाएगी। तो कॉलम सी में हम हाँ लिखेंगे। अब बताइए, क्या गाय सांस लेती और छोड़ती है? सही कहा। गाय को जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत होती है। अगर गाय सांस नहीं लेगी तो मर जाएगी। अतः कॉलम डी में हम हाँ लिखेंगे। अब आप समझ गए? बताइए, कॉलम ई में क्या आएगा? सही कहा। क्योंकि हम जानते हैं, गाय बेकार पदार्थों को गोबर व मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालती है, अतः इसमें हाँ होगा। हम जानते हैं कि गाय बच्चे देती है, जो धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक उम्र के बाद वह मर जाती है। अतः कोलम एफ, जी और एच में भी हाँ होगा। इसी प्रकार हम कबूतर के बारे में भी इन कोलमों में लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कबूतर को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। कबूतर सांस लेता और छोड़ता है। कबूतर बीट करता है, अंडे देता है, जिससे बच्चे निकलते हैं, जो धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक उम्र के बाद मर जाते हैं। अतः सभी में हाँ आएगा। अब हम आम के पेड़ के बारे में समझते हैं। हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं।
इसके लिए उन्हें पानी, खाद, प्रकाश व हवा की जरूरत होती है। इससे वह अपना भोजन खुद बना लेता है। इसी प्रकार पौधों को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पौधे भी विकार पदार्थों को बाहर निकालते हैं, जैसे गोंद। इसी प्रकार पौधे भी अपने बच्चे पैदा करते हैं। पौधों में बीज बनता है। उस बीज से पौधा निकलता है, जो बढ़ता है और एक उम्र के बाद मर जाता है। अतः आम के पेड़ के सामने सभी कॉलम में हाँ आएगा। अब हम पत्थर के बारे में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पत्थर को भोजन की जरूरत नहीं होती है। पत्थर सांस भी नहीं लेता है और ना ही अपने बच्चे पैदा करता है और ना बढ़ता है। पत्थर मरता भी नहीं है, अतः सभी कॉलमों में नहीं आएगा। इसी प्रकार मेंढक और टेबल के बारे में उनके सामने लिखा है। इसके नीचे सारणी में मैंने उन चीजों के नाम लिखे हैं जो मुझे मेरे आसपास में नजर आई। आप लोग इनके लक्षणों के बारे में सारणी में भर सकते हैं, या इनके बजाय आप जो चीजें अपने आसपास में देखी उनके नाम लिखकर सारणी को पूरा कीजिए। दोस्तों, हमने हमारे आसपास की चीजों के बारे में जानने का प्रयास किया। हमने देखा कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, हमने देखा कि इनके लक्षणों के आधार पर समूह बनाएं। तो दो समूह बनेंगे। प्रथम समूह में ऐसी चीजें आएंगी जिन्हें जिंदा रहने के लिए भोजन और हवा की जरूरत है। ये अपने शरीर से अपशिष्ट या ये कहे बेकार के पदार्थों को शरीर से निकालते हैं। ये अपने जैसे बच्चे भी पैदा करते हैं, बढ़ते हैं और उम्र पूरी हो जाने पर मर जाते हैं। हमारे आसपास की ऐसी चीजें जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं, उन सभी को हम सजीव कहते हैं, जैसे गाय, मेंढक, कबूतर, पेड़ आदि। इसी प्रकार हमारे आसपास की ऐसी चीजें जिनमें ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं, या हमारी सारणी में जिन चीजों के सामने सभी कॉलमों में नहीं आया है, उन सभी को हम निर्जीव कहते हैं। बच्चों, आज हमने सजीव और निर्जीव के बारे में समझा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर आऊंगी साथ में मिलकर कुछ नया सीखने के लिए। बाय बाय बच्चों।